प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जून मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के शुरू में हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक का जो पेपर आप लोगों का 21 जून के दिन होने जा रहा है, उसका हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का यानी 100% ओरिजिनल पेपर का जो ना प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आंसर की आपको बताऊँगा, साथ में इसका डाउनलोड कैसे करना आंसर की ठीक है वो भी बताऊंगा। और इसी चैनल पे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए क्लास भी चलता है साइंस आर्ट्स दोनों का। तो आगे मैं आपको बताऊंगा ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करना है। उससे पहले देखिए आपका विषय कोड 170 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल जो है ना आप लोगों का 50 नंबर का एग्जाम भी होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा सेशन ए में ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया 1 से लेकर 30 तक के, मात्र आपको 25 प्रश्न बनाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भौतिक को माना जाता है, बताइए भौतिक को क्या माना जाता है। प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। दो नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण क्या है, तो आप बिल्कुल नोट करना। दो का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करना, यानी ऑप्शन सी होगा। तीन नंबर है प्रयोगिक भौतिकी के जनक कौन है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप तीन का भी नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा, ये आपका गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है, गैलीलियो होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर जो ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा चार नंबर है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम वर्णित करता है कौन, किसके द्वारा, ठीक है, मतलब किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा ये किया जाता है प्यारे बच्चों जो है ना जड़त्व की गति में। क्वेश्चन नंबर पाँच है, एक्सरे की खोज किसने किया था, तो पाँच का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यह हो जाएगा रोयन टेजन। चलिए क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन है, तो बिल्कुल 6 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है वह क्या कहलाता है, तो आपको याद होना चाहिए भौतिकी कहलाता है, तो यानी फिजिक्स, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ पर 8 नंबर बोला है, भौतिक राशि हुआ है जो क्या है, पता है भौतिक राशि क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा और राइट आंसर भी होगा, यानी कि यह जो है ना मापी जाती है, भौतिक राशि हुआ है जो मापी जाती है, तो ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से भौतिक राशि का जो ना नाम नहीं, इनमें से क्या है, तो 9 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी ए होगा, यानी कि किलोग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना है, यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है, इकाई की प्रणाली कौन सी है प्यारे बच्चों, तो 10 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका एफ जो है ना FPS प्रणाली हो जाएगा, FPS प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन पूरक इकाई है, तो आप 11 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ठोस कोण। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठोस कोण की इकाई क्या है, तो बिल्कुल 12 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपका जो ना एस्टोलेडियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है, तो आप बिल्कुल याद रखना, 13 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि आपका लंबाई द्रव्यमान और समय, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एसआई मात्रक कितने आधारिक मात्रक है, तो बिल्कुल नोट करना, 14 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि आपका ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मापन मुख्य रूप से जो ना एक प्रक्रिया क्या है, तो आप नोट कर लेना, 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ना सी होगा, तुलना करने की है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, तो बिल्कुल कर लेना, 16 का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा, यानी कि फोर्स, यानी कि बल होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में आप गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, फटाफट से आपको चैनल का नाम जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के या क्रोम में आकर के सर्च कर लेना। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपको मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा दूँ, तो ये रहा प्यारे बच्चों, इसी पर आप लोगों को फटाफट से क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे एक बार ना प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार से पेज को भी रिफ्रेश कर लेना है, ताकि कुछ भी अपडेट होगा तो आपको आराम से मिल पाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं जाना ही नहीं है, आपको नीचे आना है, क्लास 12th के सेशन में नीचे आइएगा ना, तो यहाँ देखिए क्लास 12th का ये रहा सेशन, ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ मिल रहा है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास जो ना बिहार बोर्ड क्लास 12th जून मंथली एग्जाम के लिए पेपर, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसको भी एक बार नीचे की ओर खींच लेना है, इसे रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पेपर का आंसर की मिल जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से पेपर डाउनलोड पर क्लिक करके कर सकते हो, या फिर नीचे आना। यहाँ देखो इसी चैनल पर क्लास होता है,
व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक देगा, ज्वाइन पे क्लिक करके पहले जल्दी से कर लेना ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, पढ़ोगे ना तो क्लास ट्वेल्थ में जो साइंस आप लोगों का है प्यारे बच्चों, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगा, बायो इंग्लिश हिंदी टोटल, ठीक है। तो यहाँ से एग्रीकल्चर का भी, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना प्यारे बच्चों, फिजिक्स का करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। इसको रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करके नीचे आना, नीचे आओगे प्यारे बच्चों तो देखो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर डाल दिया गया है, बिल्कुल 100% रोजर पेपर का आंसर किया, यहाँ से आकर के लिख लोगे। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सामने में डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड आप लोग आराम से कर लेना, और फोटो के माध्यम से भी यहाँ पर हम आपको बता देंगे। और अगर आपको करना है जो ना आर्ट्स का, तो आर्ट्स वाले बच्चे अपना यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते, थोड़ा सा नीचे कॉमर्स वाले थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर बोला गया ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि एलेरियन होगा। 18 नंबर है ध्वनि तरंगे की आवृत्ति को मापा जाता है किसके द्वारा, तो 18 नंबर का नोट करना, ऑप्शन डी होगा हर्ट्ज के रूप में, ठीक है। चलिए 19 नंबर है किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो याद रखिएगा ये मापा जाता है दूरी को यानी डिस्टेंस को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है 20 नंबर, एम एल पर पावर माइनस 1, टी पर पावर माइनस 2, बीमिया सूत्र किसका, यानी कि यह बीमिया सूत्र किसका है प्यारे बच्चों, तो आप 20 का नोट कर लेना, ये जो होगा बीमिया सूत्र ये हो जाएगा प्रत्यास्था गुणनांक का, तो ऑप्शन सी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखने की इसे निम्न में से किसका मात्रक है लेकिन बीमा का नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा यानी कि घनत्व, ठीक है। चलिए ये रहा प्यारे बच्चों 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एम एल टी पर पावर माइनस 2 को से निरूपित नहीं किया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोगों को ना कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को 22 नंबर का कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो आप 23 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 है गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर वी होगा यानी कि सरल रेखीय गणित हो जाएगा। चलिए गति, अगले क्वेश्चन 25 है कि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो आप 25 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा विस्थापन, ये कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन आप देख लेना 26 नंबर बोला जा रहा है, एक वस्तु 16 मीटर 4 सेकंड में तय करती है, तो बताइए वस्तु की दूरी क्या होगी, तो 26 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा 4 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सा समीकरण वेग एवं समय का संबंध व्यक्त करता है, तो आप 27 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा वी बराबर जो ना पैर वी बराबर यू प्लस में आपका ए टी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा 28 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, आपका प्रारंभिक वेग प्लस में हो जाएगा अंतिम वेग बटे में 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका जो ना राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन 29 है त्वरण का CGS से जो ना MKS मैंने CGS से प्यारे बच्चों MKS मात्रक का अनुपात क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये जो हो जाएगा ना ये आपका हो जाएगा 1:100, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है यदि गतिमान वस्तु का विराम की स्थिति में आ जाती है तो बताइए इसका त्वरण क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, 0 यानी कि 0 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, ये आप सब्जेक्टिव प्रश्न देख लो, इसमें एक से लेकर के 10 तक प्रश्न पहले बनाना है, 5 प्रश्न बनाना है, ठीक है। इसमें से जो ना 10 नंबर के लिए ये आपका होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है भौतिक का समाज से संबंध क्या है, हाउ टू फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2 है वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं, 3 है कि ऐसा मात्रक के लाभ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल मात्रक से क्या समझते हैं। 5 है कि बीमिया सूत्र को परिभाषित करें, बीमिया विश्लेषण का उपयोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है बीमिया विश्लेषण की उपयोगिता कर 10 न्यूटन जो ना टाइडन बदले। उसके बाद 7 नंबर है चाल और वेग में अंतर बताया, और 8 नंबर है गति के कितने नियम है। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया 9 नंबर के संदर्भ में फ्रेम को परिभाषित करते, 10 नंबर यहाँ पर बोला गया। तो प्यारे बच्चों इसमें 5 प्रश्नों का आंसर की मैं बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, इसका आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, साथ में डाउनलोड जहाँ करने के लिए बताऊँगा जाकर कर लेना, वहाँ पर बिल्कुल डाल दूंगा। तो देखो प्रश्न इसमें 11 से 15 तक रहेगा, आपको 3 प्रश्न बनाना है यानी कि टोटल ये 15 नंबर के लिए होगा, 5 नंबर वाला प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है भौतिकी में माप का क्या महत्व है, व्याख्या करें, ठीक है प्यार बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 11-12 नंबर है कि भौतिकी प्रौद्योगिकी किस प्रकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब कि ये 3 प्रश्नों का मैं आंसर की बताऊंगा, साथ में यहाँ पर 14-15 आप सारा देख सकते हो। प्यार बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही डालेंगे आपको मैं नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाओगे।